हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी की बुक में और स्टेट बोर्ड के बुक्स में क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है, और ये चैप्टर क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड, नीट और जे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर से कम 3 से लेकर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर हर साल ही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि इस चैप्टर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है। अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। आपको न्यूमेरिकल करने के लिए थ्योरी पार्ट भी बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन बड़ा चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस चैप्टर के कुछ मैं मोटे मोटे कंटेंट्स लिखा हूँ, मेन कंटेंट्स लिखा हूँ। जैसे इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। जनरल इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। फिर आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबस्टेंसेस को अगर कैटेगराइज किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो दो तरीके के सबस्टेंस होते हैं। एक सबस्टेंस कंडक्टर होता है और दूसरा इंसुलेटर होता है। कंडक्टर भी दो तरीके के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, नष्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू किसी केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन, यह इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। फिर इसी इलेक्ट्रोलिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको प्रिफ्रेंस डिस्चार्ज थ्योरी कहते हैं। प्रिफ्रेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कब होता है, जब सेम तरीके के एक से अधिक आयंस होते हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, तो उनमें आपस में कंपटीशन क्रिएट होता है कि कौन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहले जाएगा, पहले डिस्चार्ज होगा। इसको कहते हैं प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहेंगे। और इसको याद करने का मैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर ही नीट और जे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें दो लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों ही लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और ये लॉ भी बहुत ही आसान है। फिर इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। फिर हम लोग कोहलाउचला पढ़ेंगे और कोहलाउचला का क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद किया जाता है, कैसे आप नीट जेई में MCQ क्वेश्चन कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे जो है किसकी डिस्चार्ज वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी एक्टिविटी कम होती है, ये भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। और इस ट्रिक को समझने के लिए, जानने के लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर कंटिन्यूअसली देखते रहिए और ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वर्ड को देखो, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में लिखा है बेटा, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकता हूँ। और जब मैं केमिस्ट्री कह रहा हूँ तो आप सभी लोग जानते हो कि केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। अब वो केमिकल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस आप देखो तो न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सभी न्यूट्रल कंपाउंड है। इसके अलावा इसमें स्पीसीज भी हो सकते हैं। अब स्पीसीज किसको कहते हैं बेटा, ये सब आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हुआ, जैसे अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, बाईसल्फेट आयन, बाईकार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन, ये सभी
क्या कहलाते हैं? स्पीसीज कहलाते हैं। यानी कि अगर दो या दो से अधिक अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं और अगर उस पर कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है तो उनको स्पीसीज कहा जाता है बेटा, लेकिन हम लोग झटके से आयन बोल देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं उसको? केमिकल स्पीसीज या स्पीसीज आपको बेटा। इसी तरीके से आयन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये आयन्स क्या होते हैं? जैसे सिंगल एलिमेंट है कोई, उस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो उसको आयन कहते हैं। जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, ये सभी इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायन हो गए। इसी तरीके से जब निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग एनायन कहते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, सल्फाइड आयन, ये सभी आयन्स कहलाते हैं। यानी कि हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है। केमिकल सब्सटेंस मतलब न्यूट्रल कंपाउंड या स्पीसीज या आयन्स कुछ भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसे इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड विद द इंटरेक्शन, रिलेटेड विद द इंटरेक्शन बिटवीन, बी अपॉन डब्ल्यू का मतलब बेटा बिटवीन, किसके बीच में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इसी को आप इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, एंड केमिकल सब्सटेंसेज। केमिकल सब्सटेंसेज का मतलब क्या हुआ? केमिकल सब्सटेंसेज का मतलब न्यूट्रल कंपाउंड, केमिकल स्पीसीज या आयन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इनमें से कुछ भी हो सकता है या सारे हो सकते हैं। तो इनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो भी इंट्रेक्शन होता है केमिकल सब्सटेंसेज के, इन्हें स्टडी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोसिटी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो इवेंट्स होते हैं मेनली। पहला जो इवेंट होता है वो इवेंट इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिसिटी के यूज से हम लोग केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में की जाती है। इसी तरीके से जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस के एप्लीकेशन से, उनके यूज से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाता है, यानी कि टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। और ये प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा, और ये प्रोसेस कहाँ पर किया जाता है? गैल्वेनिक सेल, या इसी को वोल्टिक सेल कहते हैं, या इसी को डैनियल सेल कहते हैं। तो अब आइए, जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं, आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया। पहले इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज से केमिकल सब्सटेंसेज का, केमिकल कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर होती है इलेक्ट्रोलिसिस की? जिस कंटेनर में होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज क्या हो रहा है, केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है कैसे? बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहलाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? जिस सेल में होती है, जिस कंटेनर में होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। और मैं जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा आपको, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से वो काम करता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आप देखोगे ये केमिकल एनर्जी है, और इस केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो कन्वर्जन की प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्या है? ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एलिमेंट उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक रिडॉक्स प्रोसेस है। ये देखिए मैंने लिखा है,
और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, जिस एपरेटस में होती है उसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल, या गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल भी कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं वोल्टिक सेल। तो कैसे डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखो बेटा, अगर हम लोग कंडक्टिविटी के बेस पर देखें तो कंडक्टिविटी के बेस पर केमिकल सबस्टेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, या जितने भी सबस्टेंस हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कंडक्टर होता है और दूसरा इंसुलेटर। ये बहुत छोटी सी बात है, आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। कंडक्टर किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा सबस्टेंस या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी होती है, जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और कंडक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, उन सारे पॉइंट्स को मैं मेंशन करूंगा। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि कंडक्टर किसको कहते हैं, द सबस्टेंस। अब सबस्टेंस में क्या होगा, ये केमिकल सबस्टेंस भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकता है। केमिकल सबस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सॉल्ट, एसिड, बेस, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है। और मेटल्स आप जानते ही हो, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मेटल ही हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है, द सबस्टेंसेज यानी कि केमिकल सबस्टेंसेज एंड मेटल्स अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं अपने थ्रू, ऐसे सबस्टेंसेज को कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे NaCl, ये सॉल्ट है, HCl एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन, ये सभी मेटल है। यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा हुआ है, ये कार्बन क्या है बेटा, कार्बन का मतलब यहाँ पर ये ग्रेफाइट है, ये बात आप ध्यान रखना, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का फॉर्मूला कार्बन ही लिखते हैं क्योंकि कार्बन का एलोट्रॉप है। तो ग्रेफाइट विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको कंडक्टर की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। इसी तरीके से इंसुलेटर किसको कहते हैं, ऐसा कोई भी केमिकल सबस्टेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कर सकता है, ऐसे सबस्टेंसेज को इंसुलेटर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वुड, मतलब लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया, फाइबर, प्लास्टिक जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया, ये कार्बन, कार्बन देखिए, कार्बन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने कार्बन लिखा है, तो कार्बन का मतलब ये डायमंड है। डायमंड इज आल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और डायमंड का फॉर्मूला भी सी ही होता है बेटा, कार्बन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कार्बन क्या है, यहाँ पर डायमंड है। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जैसे वैक्स, वुड, डायमंड, ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक, ये जितने भी होते हैं इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है, इन्हें को कहते हैं इंसुलेटर। देखिए मैंने लिखा है, द सबस्टेंसेज डू नॉट अलाउ, किसको अलाउ नहीं करते हैं, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दे आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर। और सभी बच्चों को मालूम है कि इंसुलेटर क्या होता है, वुड, सूखी हुई लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, सूखी हुई लकड़ी, नॉट ग्रीन प्लांट, है ना, नॉट वेट प्लांट, भीगी हुई लकड़ी नहीं, सूखी हुई लकड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, डेड वुड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा ग्लास की बात करते हैं हम लोग, फाइबर की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये सभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, कि कंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और दूसरा मेटेलिक कंडक्टर होगा। दोनों की क्या प्रॉपर्टी है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेज है, उन पॉइंट्स को मैं मेंशन करने जा रहा हूं, उन पॉइंट्स को आप देखेंगे। जैसा आप देख रहे हो, कंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर या इसी को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, टीवी, फ्रिज, ओवन, रेडियो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, उन सब में मेटल्स का यूज किया जाता है, इसलिए इसको मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब क्या हुआ,
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब केमिकल सब्सटेंस से हुआ, और केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी सॉल्ट, एसिड, बेस, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे स्ट्रांग एसिड हो, वीक बेस हो चाहे स्ट्रांग बेस हो, ये सब जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं ये सारे सब्सटेंसेज किस में आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आते हैं। अब इन दोनों तरीके के कंडक्टर में इनकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेज हैं और कुछ प्रॉपर्टी में क्या सिमिलरिटी है, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन हुआ है। आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स में इनमें आपस में क्या डिफरेंसेज है और क्या सिमिलरिटी है, ये बातें मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसा आप देखोगे कि जो मेटेलिक कंडक्टर होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तभी होता है, जैसा आप सभी जानते हो कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ पे करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, करंट का फ्लो मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और ये आयंस क्या हो सकते हैं, कैटायंस या एनायंस, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो जब आयंस का मूवमेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयन का मूवमेंट होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और आयंस क्या होगा, कैटायन और एनायन। कैटायन कहाँ पे जाता है, कैथोड प्लेट पर जाता है, एनायन कहाँ पे जाता है, एनोड प्लेट पर जाता है, इसलिए एनोड एनायन। देखो कैटायन है, कैटायन कहाँ से आ रहा है बेटा, कैथोड से आ रहा है। ये कैटायन का हमेशा रिडक्शन होता है और एनायन का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये बात आप ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को मैटर में कंसीडर नहीं किया जाता बेटा। क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मैटर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, उसको नेकेड आई से तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं। आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 × 10⁻³⁰ kg, यानी कि इसी को हम कह सकते हैं 9.11 × 10⁻²⁸ g भी कह सकते हैं, और ये इतना छोटा मास है कि इसको मेजर करने वाला अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को मैटर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मैटर किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मैटर में कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि आयंस जो कैटायंस या एनायंस होते हैं उनको मैटर में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि उसका बड़ा साइज होता है, काफ़ी बड़ा। अब अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे मेटेलिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं होता। तो देखिए मैंने लिखा है नो केमिकल चेंजेज, जैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे तो केमिकल चेंज होगा, और क्या केमिकल चेंज होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया है कि कैटायन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है कैथोड प्लेट पर, जबकि एनायंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर, एनोड प्लेट पर। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेज होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये देखिए, इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन है इतना छोटा पार्टिकल है उसको मैटर कंसिडर किया ही नहीं जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह से किसी एक सब्सटेंस से दूसरे में जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। जबकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। मैटर किसको कहते हैं, आयंस को कहते हैं, क्योंकि आयंस का अपना सर्टेन मास होता है और ये सर्टेन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे सोडियम आयन हुआ, तो सोडियम आयन का मास कितना होता है, 23 g/mol या 23 यूनिफाइड मास कह सकते हैं। मैग्नीशियम आयन का कितना होता है, 24। क्लोराइड आयन का कितना होगा, 35.5 यूनिफाइड मास कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक में इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम लोग मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ इन्वर्सल रिलेशनशिप है। ये देखिए दिखाई दे रहा है,
टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है बेटा, बोलो इनवर्सली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और ये एक दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के इफेक्ट को नेगलेक्ट करने लगते हैं, कैंसिल आउट करने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। जबकि आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की तरफ देखते हो तो ठीक उल्टा रिलेशन है इसका, कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम कर देंगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ NaCl, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये कोई भी सब्सटेंस हुआ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है, डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाता है। जब डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, आयंस जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फिर आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसके केस में बेटा, बोलो मेटेलिक कंडक्टर के केस में। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों, जैसा अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि कोई ये मेटल का कंडक्टर है, अब इस मेटल के कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। इस मेटल में जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सभी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जब सभी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पे ठीक उल्टा आप देखो बेटा, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का एक दूसरे से इन्वर्सल रिलेशनशिप है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बेटा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर से देखिए, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, आयंस का मूवमेंट फास्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। फिर आप देखो बेटा, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो सभी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये ओम्स लॉ क्या है, आर इक्वल टू वी बाई आई, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक करेंट। इसके बारे में आप लोगों ने 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आपको फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया हुआ है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करते हैं तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ये भी आर इक्वल टू वी बाई आई को फॉलो करता है। फिर आप देखो, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो फैराडे लॉ, फैराडे के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इनको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है डू नॉट फॉलो, किसको फॉलो नहीं करते बेटा, बोलो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। जबकि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेज ये किसको फॉलो करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो करते हैं। तो ये देखिए, इट फॉलोज या दे फॉलो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस तरीके से जो तो आपने देखा कि इनमें 6 मैंने डिफरेंस बताया, ठीक है ना, और साथ ही साथ एक कॉमन पॉइंट भी बताया। कॉमन पॉइंट क्या था कि चाहे मेटेलिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो, दोनों ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये कॉमन पॉइंट हुआ बेटा, ये बात आप ध्यान रखना, इसको मैं रेड मार्क से साइन कर देता हूं। ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों में कि चाहे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो कोई केमिकल सब्सटेंस हो, चाहे कोई मेटेलिक कंडक्टर हो, दोनों ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बाकी 6 मैंने डिफरेंसेस बताया, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिटवीन डिफरेंसेज बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, किसके बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस सीखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोलिसिस, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में
किसी केमिकल सब्सटेंस का, किसी केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेकिंग होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइप के कंटेनर में होती है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे बनाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। यहाँ पर आप देखो ये कंटेनर है और ये कंटेनर किसी इंसुलेटर का बना होता है, जैसे ये ग्लास हो गया या फाइबर हो गया, किसी भी इंसुलेटर का बना हो सकता है। अब इस तरीके का एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक रॉड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटेलिक रॉड, किसी भी मेटल का बना हो सकता है, जैसे आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, किसी का भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग प्लेटिनम और ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं बेटा, क्योंकि ये किसी भी केमिकल सब्सटेंस से अट्रैक्शन या रिपल्सन शो नहीं करता है, इंट्रैक्ट नहीं करता है केमिकल सब्सटेंस से। इसलिए प्लेटिनम के रॉड को या ग्रेफाइट के रॉड को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनके अलावा अगर मैं आयरन का ले लूँ, कॉपर का ले लूँ, सिल्वर का ले लूँ, इन सब सब्सटेंसेस का किसी का ले लूँ, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में केमिकल सब्सटेंस है उसके साथ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करेंगे, ये इनर्ट बिहेवियर शो नहीं कर पाते हैं। अब ये देखिए ये किसी मेटल का बना हुआ रॉड है, ये भी मेटल का बना हुआ रॉड है। इस मेटेलिक रॉड का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे तो उसको कहते हैं एनोड कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एनोड कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और जिस इलेक्ट्रोड का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करते हैं उसको कैथोड कहते हैं। तो कैथोड आप देख रहे हो कि कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है बेटा, याद रखना, ऑलवेज, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, एनोड प्लेट पे हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जबकि कैथोड प्लेट पर हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है, चाहे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो। आगे मैं गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन दोनों ही सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है। अब देखिए इस कंटेनर में आपको ब्लू कलर के इंक से दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर ये क्या है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है या मॉल्टन या फ्यूज फॉर्म भी हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ये क्या हो सकता है बेटा, मॉल्टन फॉर्म में भी हो सकता है। मॉल्टन का मतलब क्या हुआ, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग हीट कर दें, हीट करने पर वो पिघल जाता है तो उसी को कहते हैं मॉल्टन या फ्यूज फॉर्म कहते हैं। तो मॉल्टन फॉर्म में हो सकता है, या इसी को क्या कहते हैं, फ्यूज फॉर्म कर सकते हैं, इसमें हो सकता है, या इनका क्या हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। इनको पानी में घोलने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ये अब ये किसी भी केमिकल सब्सटेंस का हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे किसी भी केमिकल सब्सटेंस का हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में जब केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होगा तो कैथोड प्लेट पर कैटायन वाला पार्ट जाता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा कैथोड प्लेट पर, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं। इसी तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो हमेशा एनोड प्लेट पर मूव करता है और मूव करेगा यहाँ पर, इसलिए नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर हमेशा डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल सिखाने जा रहा हूँ, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने देखा मैंने लिखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन या फ्यूज्ड NaCl। जब मैं मॉल्टेन या फ्यूज कहता हूँ बेटा, इसका मतलब NaCl सब्सटेंस को गर्म किया गया है, हीट किया गया है, पिघलाया गया है, ठीक है ना। तो मॉल्टेन या फ्यूज का मतलब ये हुआ। अब ये देखिए अगर ये NaCl है, NaCl का अगर हम लोग
इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इससे सोडियम आयन बनेगा और क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि एनोड, एनोड प्लेट पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है एनोड प्लेट पर, ठीक है ना। एनोड प्लेट पर कौन जाएगा, एनायन जाएगा। अब ये एनायन है Cl माइनस, ये कहाँ पे जाएगा, एनोड प्लेट पर जाएगा, और जब जाएगा तो ये हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। मैंने यहाँ पे हाफ Cl2 क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि क्लोरीन नेचुरली डायटॉमिक फॉर्म में लिखता है, लिखा जाता है, कभी भी मोनाटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ये नेचुरली डायटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो जब एक क्लोराइड स्पीसीज है तो हाफ Cl2 बनाएगा, या फिर मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, इसी को अगर मैं यहाँ पे Cl लिखता हूँ तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, अगर हाफ Cl2 की जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ पे Cl लिखा, तो अगले स्टेप में आप क्या देखोगे, एक क्लोरीन प्लस क्लोरीन ये मिलकर Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है और इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एनोड प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड प्लेट पर हमेशा किसकी प्रोसेस होती है, ये रिडक्शन की प्रोसेस होती है, रिडक्शन की प्रोसेस। अब कैथोड प्लेट पे कौन मूव करेगा, वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप देखो सोडियम आयन मूव करेगा, ये Na प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था उस इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये न्यूट्रल सोडियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये न्यूट्रल सोडियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन प्रोसेस। ये बात आप ध्यान रखोगे, इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि कैथोड प्लेट पर रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आपने देखा कि Cl- इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए किसकी प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन या फ्यूल NaCl का देखा। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, और वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, इस दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन या फ्यूज्ड NaCl की जगह मैं ले रहा हूं K2SO4 ले रहा हूं, पोटेशियम सल्फेट ले रहा हूं K2SO4, ये देखिए K2SO4, और ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप देखते हैं इसका किस तरीके से होगा इलेक्ट्रोलिसिस, तो आइए देखें इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन या फ्यूज K2SO4। मोल्टेन या फ्यूज का मतलब मैंने क्या बताया कि जब किसी सब्सटेंस को, किसी सॉल्ट को हीट करेंगे तो हीट करने पर पिघलेगा, वो जो पिघला हुआ फॉर्म है, मेल्टेड फॉर्म है, उसको मोल्टेन या फ्यूज कहते हैं। अगर ये K2SO4 है, ये पोटेशियम सल्फेट है, ये कैसे मेल्ट करेगा, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके हीट की वजह से मेल्ट होता है। तो जब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये देखिए इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इससे दो पोटेशियम आयन बन रहा है और साथ ही साथ एक सल्फेट आयन SO4 2- बनेगा। अब उसी तरीके से जैसे NaCl के केस में हुआ था कि एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन और कैथोड प्लेट पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी, तो यहां पर देखिए यह एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है क्योंकि सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब कैसे होगा, यह SO4 है, इसका दो मोल्स लेते हैं, 2SO4 2- लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ये H2O8 2-, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है ही साइन पर, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, फ्री हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहते हैं। और इसके बाद ये पोटेशियम आयन है, इस पोटेशियम आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड प्लेट पर होता है, ये कैथोड प्लेट पर रिडक्शन की प्रोसेस हुई। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये 2K+ है, यानी कि दो पोटेशियम आयन है जो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है,
इस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिडक्शन होगा ना, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, 2K का फॉर्मेशन करेगा। पोटेशियम मेटल है, मेटल होने की वजह से यह आइसोलेटेड फॉर्म में रहेगा। यहां पर आप देखिए H2O2- को पर ऑक्सी डाइसल्फेट आयन कहते हैं, ये आप ध्यान रखना, इसको कहते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन, इस नाम से जाना जाता है, इसको पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन के नाम से कहते हैं। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। अब एक मैं एग्जांपल और आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस का, और वो क्या एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन Na2SO3 का मतलब सोडियम सल्फाइड हो गया। ये मैं आपको एग्जांपल नंबर थर्ड बताने जा रहा हूं। इसमें इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस बनेगा। आइए देखें, अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन Na2S2O3 यानी कि सोडियम थायोनेट। अगर इस सोडियम थायोनेट का Na2S2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस से दो तरीके के आयंस प्रोड्यूस होते हैं, एक कैटायन 2Na+ और दूसरा एनायन H2O3 2-, यानी कि थायोनेट आयन प्रोड्यूस होता है। जैसा आप जानते हो बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड प्लेट पर आप देखोगे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी एनोड पर, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो। यह H2O3 है 2- थायोनेट आयन है, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं 2H2O3 2-, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये S4O6 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। इस S4O6 2- को क्या कहते हैं, इसको टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। मैंने आपको इन सब के बारे में रिडॉक्स रिएक्शन में बताया हुआ है सब, ये टेट्राथायोनेट आयन कहलाता है। फिर यहाँ पर कैथोड प्लेट पर कौन सी प्रोसेस होगी, कैथोड प्लेट पर हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो। अब कैथोड प्लेट पर कौन मूव करेगा, कैटायंस, कैटायंस वहाँ पे मूव करके डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। ये देखिए 2Na+ है, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था इस जगह से, इस दो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है और दो सोडियम एटम का फॉर्मेशन कर लेता है न्यूट्रल, और ये एटम के फॉर्म में ही रहता है क्योंकि मेटल है, मेटल जब भी मोनोटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जब वो इंडिपेंडेंट नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी डायटॉमिक ट्राइटॉमिक पॉलीटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी कोई भी मेटल एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के तीन एग्जाम्पल बताए। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जेईई और नीट एग्जाम में आया हुआ है, आपको करना है। किसका करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन या फ्यूज फॉर्म का करना है। तो मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, उसका आप होमवर्क। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया मोल्टेन या फ्यूज फॉर्म किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी बातें मैंने पीछे तीन एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाया। अब मैं आपको कुछ सब्सटेंसेस का मोल्टेन या फ्यूज फॉर्म कहिए उसका इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस तरीके की सारी प्रोसेस होगी, ये आपको करना है। जैसे मैंने लिखा है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड को एल्यूमिना भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं। ये देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का करना है, मोल्टेन फॉर्म में है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन कॉपर सल्फेट, इन तीनों का आप करके आओगे।
जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड अगर लिया जा रहा है प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, तो जो प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस के साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ, चाहे वो एक्वस फॉर्म में हो चाहे मोल्टन फॉर्म में हो, उसके साथ किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन नहीं करता है, यानी कि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करता है। इसलिए प्लेटिनम और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को इनर्ट इलेक्ट्रोड या आइडियल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। फिर अगर इसके कंट्रास्टिंग देखें, इलेक्ट्रोड कॉपर का, सिल्वर का, मरकरी का, ये देखिए कॉपर का, सिल्वर का, मरकरी का, एल्युमिनियम का, आयरन, इस तरीके से किसी मेटल का बना हुआ है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्यों एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं? क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस के साथ, चाहे मोल्टन फॉर्म में हो चाहे फ्यूज फॉर्म में हो चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो, उसके साथ एसोसिएट या डिसोसिएट कर सकता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट के नेचर को इफेक्टेड कर सकता है, इसलिए इनको एक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे YouTube चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर आज की कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जो आप अपने क्वेश्चन क्वेरी को डाल सकते हैं। आप अपने दोस्तों को, जूनियर को, सीनियर को, ठीक है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, कीप ऑन।